हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैमूर जिले के भगवत थाने में आए हुए हैं और बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर आप वीडियो दिखाइए, गाड़ी किस कंडीशन का होता है, नीलामी गाड़ी का वीडियो दिखाइए। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं भाइयों को कैमूर जिले के भगवत थाने की गाड़ी दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए किस कंडीशन का गाड़ी होता है, आप कैसे खरीद सकते हैं नीलामी की गाड़ी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत से मेहनत करके मैं वीडियो बनाते हैं और बहुत ही समय लगता है एक वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों, आप लोग लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि ये कैमूर ज़िले के भगवत थाने में जो नीलामी होने जा रही है 30/3/2022 को, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस जारी कर दिया गया है 30/3/2022 को नीलामी किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का गाड़ी होता है। तो हमारे ख्याल से तो बहुत ही अच्छे अच्छे कंडीशन का गाड़ी नीलामी की है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये गाड़ी। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे अच्छे कंडीशन की गाड़ी है। इसमें हाँ, थोड़े बहुत पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि ये गाड़ी बहुत दिनों से लगी हुई होती है, तो इसमें कुछ ना कुछ खराब ज़रूर होगा। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि गाड़ी रखी रखी कुछ खराब हो जाती है, बस आपको थोड़े बहुत खर्च करना है और इसको अच्छे से सर्विसिंग करवा के आप चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्राइस लिस्ट देख सकते हैं 65,000, 10,000, 500, 6,500, 55,000, 1,85,000। एक टाटा सफारी कार है जिसका कीमत है। तो दोस्तों, बहुत ही सस्ते दामों में आपको गाड़ी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको 10,000, 5,000 में गाड़ी मिल जाती है तो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च करके आप गाड़ी को बिल्कुल फिट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गाड़ी है, किसी भी गाड़ी का कीमत 10,000 से ज़्यादा नहीं है। कोई कोई बाइक है जिसका कीमत आपको 15,000, 16,000 देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा दें, ये सभी के सभी गाड़ी, किसी का 8,000, किसी का 9,000, किसी का 7,000, इतने इतने प्राइस की गाड़ी आपको नीलामी में मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये गाड़ी कहाँ से आती है। तो ये जितने भी गाड़ी आप देख रहे हैं, अभी बिहार में शराब बंद है और शराब तस्करी के द्वारा, जो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया गाड़ी होता है, शराब के मामले में शराब के साथ जो गाड़ी पकड़ाया जाता है उस गाड़ी को नीलामी किया जाता है। दोस्तों, अभी बिहार में शराब बंद है और प्रत्येक दिन 200 से 400 गाड़ियाँ प्रत्येक दिन सभी थाने में शराब वाली गाड़ी को जब्त किया जाता है। तो शराब के साथ डेली 400-500 गाड़ी जब्त होती है सभी थाने में। तो दोस्तों, यही गाड़ी ज़्यादातर आपको जितने भी देख रहे हैं, ये सभी के सभी शराब तस्करी में गाड़ी जब्त किया गया है। और बाई चांस कुछ बाइकें ऐसे होंगे जो किसी दूसरे तरीके से जब्त किया गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ने देख ही लिया है कि नीलामी की गाड़ी किस कंडीशन का होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि ये कैमूर ज़िले में नीलामी है तो आप नहीं भाग ले सकते हैं। आप किसी भी ज़िले से हैं, बिहार या यूपी हो, किसी भी ज़िले से, किसी भी स्टेट से है, अगर जहाँ पे नीलामी जिस ज़िले में हो रही है वहाँ पे जाकर के आप आवेदन जमा कर सकते हैं। सभी स्टेट के ज़िले के लोग भर सकते हैं आवेदन। ऐसा नहीं है कि ये बिहार में नीलामी है तो सिर्फ बिहार के लोग ही खरीदेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो